हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास IT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो हम अपना जो चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसका हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पर अभी तक आपने अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए फ्रेंड्स, में कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। हमें फ्रेंड्स यहाँ पे दर पूछी है और यहाँ पे देखिए 3 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब माना वह राशि क्या है, हल करते हैं फ्रेंड्स। हमें जो दे रखा है हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, हमें दर कितनी दे रखी है 10% दे रखी है। क्वेश्चन समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आपके SSC में, GD वाले पेपर दिए होंगे आपने, उनमें ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, या आपके जो JVNL टेक्निकल हेल्पर ऐसे जहाँ पे भी आपके में बेसिक जो मैथ पूछी जाती है उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको करते रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो माना वह राशि क्या थी। माना वह राशि ₹1 थी, ₹1 थी। ओके, तो वो कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। जब हम उस पर 10% साधारण ब्याज लगाते हैं तो कितने दिनों में 3 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब 3 गुनी हो रही है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपना जो मान आएगा वो क्या आएगा, मिश्रधन। तो हमने देखा क्या आ रहा है, ये अपना मिश्रधन, क्योंकि जो हमें राशि दे रखी थी वो मिश्रधन बन के आ रहा है। तो मिश्रधन को हम किससे डिनोट करते हैं, एस। तो यहाँ पे ए लिख लीजिए फ्रेंड्स, ए बराबर 3 गुनी हो जाती है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने देंगे, 3x हो जाएगा। क्योंकि जो राशि अपने मूलधन थी, मूलधन 10% का हमने साधारण ब्याज लगाया तो वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं, तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब वो हमें कितना गुना हो रही वो राशि हमें पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से मिश्रधन हमें दे रखा है 3x, तो a बराबर क्या होता है, a बराबर क्या, तो p प्लस a सही होता है। तो आप यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हो क्योंकि आपको मूलधन दे रखा है और मिश्रधन आपने देखा, तो यहाँ पे 3x आ गया। 3x बराबर मूलधन कितना दे रखा है हमें, x प्लस a सही। तो आप a सही निकालोगे तो अपना मान कितना आ जाएगा, 2x। तो आपने देखा साधारण ब्याज कितना आ गया, 2x आ गया। आप यहाँ पे 100 मान करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो मेथड आपको अच्छा लगे उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपने देखा साधारण ब्याज कितना आ गया, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 2x आ गया, 2x। पी हमने माना कितना, ₹1। मिश्रधन अपना कितना आ गया, 3x। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ पे टाइम, मैं कितने टाइम में ये 3x हो रहा है। कहने मतलब जो अपना मूलधन था ₹1 था वो कितने वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3x हो रहा है, तो उसी को हमें समझना है। क्या नाम, टी बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू आर हो जाएगा। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कीजिए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टी बराबर साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें, 2x दे रखा है। हम 2x मल्टीप्लाई 100 करेंगे अपॉन पी हमें दे रखा है x, क्योंकि हमने ₹1 मान के हल किया है, तो x आ गया। मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है हमें, 10%, तो आप यहाँ पे 10 रख दीजिए। अब आपने देखा एक्स से एक्स कट हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो अपना टाइम कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 वर्ष आ जाएगा। अब आपने देखा मैं 20 वर्ष में वो राशि तीन लेंगे, हम 10% का साधारण ब्याज लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा अपना, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। आपने यहाँ तक समझ लिया फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चंस ये सॉल्व हुआ क्योंकि हमें टाइम पूछा था यहाँ तक के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी, हमें 7 गुना पूछा है। अब मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था, उसमें हमने देखा था मैं हमें दर निकालनी है और n-1 अपॉन t करना था, मल्टीप्लाई क्या करना था हमें 100। तो r बराबर यहाँ पे देखिए हमें दर पूछी है, मैं 7 गुना हो जाएगी, मैं कब तक वो 7 गुना हो जाएगी, मैं किस दर से वो 7 गुना हो जाएगी। हमने टाइम निकाला, टाइम कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। एन कितना दे रखा है हमें, 7 गुना, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, माइनस करेंगे 1 अपॉन टाइम कितना दे रखा है हमें, 20 वर्ष मल्टीप्लाई 100। तो आर बराबर 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन 20 पंजे 1 मल्टीप्लाई
एक माइनस किया तो 6 × 5 = 30, अपना मान कितना आ गया फ्रेंड्स 30% की दर से। क्वेश्चन सॉल्व हुआ फ्रेंड्स, आपके समझ में आया होगा तो देखिए एक बार और समझ लीजिए फ्रेंड्स, माना हुआ राशि क्या थी, 1 रुपए थी। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। हमने दर जब 30% लगाएंगे, 30% की दर से अगर हम वो पैसा लगाएंगे तो अपना जो पैसा होगा वो 7 गुना कब तक हो जाएगा, 7 गुना कब हो जाएगा, वो 20 वर्ष में हो जाएगा 30% की दर से। ओके समझिए क्वेश्चन को, मिश्र धन हम निकाला मैं 1 रुपये राशि थी और 3 गुना कब हो जाएगी, वो कितने टाइम तक हो जाएगी, तो ये हमने देखा मिश्र धन हमें 3x 3 गुना हो जाएगी, 3x ले लेंगे। ए बराबर क्या, तो पी प्लस ए सही होता है, तो मिश्र धन 3x बराबर x हमने यहाँ पे मूलधन लिया और प्लस किया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, हमने घटा दिया। ओके अब हमने देखा दर हमें दे रखी थी, साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, मूलधन हमने निकाल लिया और मिश्र धन हमें दिया हुआ था, 3 गुना हो गया था। अब टाइम हमने निकालना था, क्योंकि हम जब टाइम नहीं निकालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन आगे वाला कैसे सॉल्व होगा, तो हमने यहाँ पे टाइम निकाला तो कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। अब वो 20 वर्ष में 30% की दर से वो 7 गुना हो जाएगा। ओके वो मूलधन 7 गुना हो जाएगा। अब हम इस ट्रिक से तो हल करना सीख लिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे ट्रिक से भी सोल्व करना सिखाता हूँ, जो आपका बेसिक मेथड होता है, आप समझ गए होंगे। ओके स्टार्ट करते हैं अपना इस क्वेश्चन को, बेसिक मेथड से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। माना हमें 100 रुपये दे रखा था, हम यहाँ पे 100 रुपये मान लेते, कोई राशि जो कोई राशि थी तो माना वो राशि क्या थी, माना वह राशि 100 रुपये थी। अब आप इस क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप बेसिक समझ लेते हो फ्रेंड्स आप एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। तो माना वह राशि क्या थी, 100 रुपये थी। ओके अब आपने उस पर लगाया 10% के साधारण ब्याज की दर से, 10% लगाया आपने, दर कितने लगाए 10%, तो वो जो 100 रुपये था वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, तो कहने का मतलब 100 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिश्र धन अपना कितना आ गया 300। 100 रुपये था मूलधन, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो वो 300 रुपये हो जाएगा, 3 गुना हो जाता है, 300 रुपये हो गया फ्रेंड्स। ओके दर हमें कितनी देर की थी, 10% लगाया हमने। अब यहां से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो, साधारण ब्याज निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दोगे, तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया, 300 माइनस करोगे 100, साधारण ब्याज कितना आएगा अपना 200। ओके अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हमें दर दे रखी है, साधारण ब्याज भी हमें दे रखा है, मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये है। ओके तो अब यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो यहां पे टाइम निकाल लीजिए फ्रेंड्स, टी बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितनी दे रखे, दर 10% मल्टीप्लाई मूलधन कितना आएगा 100 रुपये, तो 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो टाइम कितना आ गया अपना 20 वर्ष। जो तरीका आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 20 वर्ष आ गया फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है मैं किस दर से वो 7 गुनी हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे दर पूछी गई है फ्रेंड्स और हमने टाइम निकाल लिया, टाइम कितना आ गया 20 वर्ष आ गया, टी बराबर कितना आ गया 20 वर्ष आ गया, हमें दर निकालनी है और वही राशि 7 गुना हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये हमने माना था, तो वो जब 7 गुना होगी तो कहने का मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना मिश्र धन यहाँ पे कितना आने वाला है 700 रुपये। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, माना वो मूलधन 100 रुपये था, 7 गुना हो जाएगी, कहने का मतलब वो 700 रुपये हो जाएगी, तो 700 रुपये हो गया, तो हम यहाँ से जब मूलधन अपना कितना था 100 रुपये था, जब वो 7 गुना हो तो 700 रुपये हो गया। ओके 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से, अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, 700 में से माइनस होगा 100 रुपये, तो अपना साधारण ब्याज कितना आ गया 600 रुपये। ओके फ्रेंड्स अब हमें दर निकालनी है, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन कितना आएगा यहाँ पे 100 रुपये, और मल्टीप्लाई टी कितना दे रखा है हमें 20, 0 से 0 कट होगा,
इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, दो तिया छः, तो दर कितनी आ जाएगी अपनी 30%। आपने देखा क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, मैंने आपको दो तरीके टाइप्स इसको सॉल्व करके बताया, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रेंड्स, हम स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स? मूलधन। हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स? मूलधन हमें निकालना है। क्या मतलब, वो राशि कौन सी थी जो 3 वर्ष में तो 4800 रुपये हो रही थी और 5 वर्ष में वो 5600 रुपये हो रही थी। तो हमें जो दे रखा है हम उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन को समझ लेना, समझिए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 4800 रुपये हो रही है। तो आपने देखा 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 5600 रुपये। तो 5 वर्ष में 5600 रुपये हो रही है। अब आपने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 वर्ष में 4800 रुपये हो रही है, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो रही है। हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ष का आ जाएगा, 2 वर्ष का क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे, 5600 में से 4800 गया तो कितना आएगा? 800 रुपये। तो यहाँ पे देखिए, हमने 5600 में से 4800 को माइनस किया तो कितना मान आ गया अपना? 800 रुपये। तो आप देखोगे कि 2 वर्ष का कितना साधारण ब्याज आ रहा है अपना? 800 रुपये। ओके, तो हम यहाँ पे 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होगा 800 के अंदर मैं 2 का भाग दे दूंगा तो 1 वर्ष का निकल जाएगा फ्रेंड्स। 2 चौक 8, 400 रुपये आ गया अपना मान। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। ओके, यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का हमने निकाला, 400 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे? हमें 3 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकालने के बाद में टोटल 4800, क्या कहना मतलब, ये हमें क्या दे रखा है? मिश्रधन। और मिश्रधन में से हमें जो दे रखा है, जो मान आएगा अपना साधारण ब्याज, क्या हम 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा उसको माइनस कर करके हम उसमें से मूलधन पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का 400 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कि हमें 3 वर्ष का निकालना साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 4×3 1200 रुपये। आपने देखा 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया फ्रेंड्स? 1200 रुपये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा था? 3 वर्ष का मिश्रधन हमें दे रखा है ए बराबर 4800 रुपये हो जाता है। और हमने देखा 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 1200 रुपये। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या होता है? पी प्लस ए सही होता है। अब आपको अगर मूलधन निकालना हो तो साधारण ब्याज को मिश्रधन में से माइनस करोगे तो आपका मूलधन पता हो जाएगा, आपको मूलधन का पता लग जाएगा फ्रेंड्स। ए माइनस करेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा? पी। अब यहाँ पे देखिए 4800 रुपये हमें मिश्रधन दे रखा है, माइनस करेंगे साधारण ब्याज कितना आया अपना? 1200 रुपये बराबर मूलधन। घटा दीजिए फ्रेंड्स, 0 से 0, 0 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6, 4 में से 1 गए तो 1, 3, अपना मान कितना आ गया? 3600 रुपये। ओके मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चला कि हमें 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा था 4800 रुपये, 5 वर्ष का मिश्रधन दे रखा था 5600 रुपये, हमने साधारण ब्याज निकाला, इनका अंतर किया तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 800 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना आ गया? 800 में हमने भाग दिया 2 का, तो अपना मान कितना आ गया? 400 रुपये। अब हमें पता चला कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। जब हम 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 1200 रुपये। 3 वर्ष का साधारण ये मिश्रधन कितना दे रखा था? हमें 4800 रुपये दे रखा था, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाला 1200 रुपये आ गया। अब 3 वर्ष का जब साधारण ब्याज हमने देखा 1200 रुपये आ गया और मिश्रधन 4800 रुपये दे रखा था, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ए बराबर क्या, तो पी प्लस ए सही होता है। जब आपको मूलधन पूछा जाए तो मिश्रधन में से साधारण ब्याज को घटा दोगे तो हमने यहाँ पे 4800 में से माइनस किया 1200, तो अपना मान कितना आ गया? 3600 रुपये आ गया। और हमें यही पूछा गया था, वह राशि बताओ, वह राशि हमने बता दिया, 3600 रुपये आ गया। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन कर पाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे डेट ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको चेंज कीजिए और आप यहाँ पे वैल्यू अलग से पुट करके आप क्वेश्चंस को
सॉल्व करना सीखे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखते कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझिए फ्रेंड्स, मैं कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। हमें साधारण ब्याज की दर पूछी गई है फ्रेंड्स। ओके, तो आई एम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। हमें दे रखा है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 1480 रुपये। ओके, और उसके बाद में 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है अपना 1760 रुपये, 1760 रुपये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। जब हम अंतर करते हैं तो 2 वर्ष का निकल के आएगा, 4 में से 2 गए तो फ्रेंड्स 2 बचा, 1760 में से 1480 घटाओगे आप तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए फ्रेंड्स, 0, 8, 280 आ गया। आपने देखा अपना मान कितना आ गया, 280 रुपये साधारण ब्याज आ गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 वर्ष में 2 वर्ष वाले को घटाया तो अपना 2 वर्ष का मान कितना आ गया, 280 आ गया। अब आपको पता है कि हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है कि 2 वर्ष का हमें मिश्रधन दे रखा है 1480 रुपये और 2 वर्ष का हमें ब्याज निकालना था, 280 रुपये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज अपना आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रेंड्स हमें 280 रुपये आ गए 2 वर्ष का। टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। मिश्रधन हमें दे रखा है 1480 रुपये। ओके, अब 1480 रुपये में से अब 280 रुपये घटा दोगे तो आपको मूलधन का पता चल जाएगा। यहाँ पे आप मूलधन पता कर लीजिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन में माइनस करोगे साधारण ब्याज, पी बराबर मिश्रधन कितना दे रखा है, 1480 रुपये। 1480 में से माइनस किया आपने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 280 रुपये। अब आपने देखा पी बराबर कितना आ गया, 0021। आपने देखा 1200 रुपये आपका मूलधन आ गया। ओके, आपको पूछा क्या गया है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ, आपको रेट निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100/P × T होता है। तो आप यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको दर का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना आ गया, 280 रुपये, 280 × 100/P कितना दे रखा है हमें, 1200 रुपये। हमें 1200 रुपये रखा, मल्टीप्लाई किया, कितना मान आया अपना टी, 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमने 2 का भाग दे दिया, आर बराबर 2 0 से 2 0 कटवा। ओके, 2 यहाँ से 2 से इसको काटोगे तो कितना आ गया, 140 आ गया। ओके फ्रेंड्स, आपका मान कितना आ गया, 140/12। अब यहाँ से आप फिर से काट लीजिए फ्रेंड्स, 2 से आपने काटा तो कितना आ गया, 70, और यहाँ से आपने देखा तो कितना आ गया, 6। यहाँ से फिर से आप काट सकते हो, 2 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 35/2 = 6। अब आपने देखा 35/3 आ गया, तो यहाँ पे आप इसको जब आप रेट को अगर मिश्र भिन्न में निकालोगे तो आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 11/33। यहाँ पे 11/33 कितना बचेगा, 2/3, 11/33 = 34, 35, 35/3 आ गया अपना। दर कितनी आ गई, रेट कितने, 11/2/3 आपका आंसर आ गया। आपने देखा हमें 2 वर्ष दे रखा था, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा, 1480 रुपये, 4 वर्ष में कितना हो जाता है वो, 1760 रुपये। मैं कोई राशि थी मूलधन, हमने अगर हम इसको एक्स मान के हल करेंगे तो उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें मैंने आपको अभी पिछला जो भी क्वेश्चंस करवाए उसमें मैंने करवा दिया, तो आप उससे एक बार करने की कोशिश करें, आप आसान से क्वेश्चंस को कर पाओगे। 2 वर्ष का निकाला 1480 रुपये, 4 वर्ष का निकाला 1760 रुपये आ गया, 2 वर्ष का निकाला हमने 280 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज 280 रुपये, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और मिश्रधन में 1480 रुपये दे रखा है। जब हमें मूलधन पूछा गया है तो मिश्रधन में से हम साधारण ब्याज घटाएंगे तो आपका मूलधन कितना आ गया, 1200 रुपये। ओके, दर दर हमें निकालने थे, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 किया अपॉन P × T हो गया, हमें जो मान दे रखा था हमने मान पुट किया और क्वेश्चन को सोल्व किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस करके देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। कोई राशि है वो समान दर और समान समय के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। हमें साधारण ब्याज की क्या बतानी है फ्रेंड्स, हमें दर बतानी है। हम इसको हल करते हैं। हमें जो दे रखा है हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। समान दर व समान समय, समान दर बराबर होगा समान समय, तो मैं इसको आर बराबर टी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि समान दर होगी तो समान समय रहेगा। ओके, और जब मैं इसको आर बराबर आर कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो ना होगी फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं टी को आर लिख सकता हूँ, क्योंकि आर के बराबर टी है, तो आर को बराबर में आर के बराबर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। समान दर व समान समय के बराबर है, तो समान दर जो होगी वो समान समय होगा। अब समय को हमने आर लिख दिया तो बराबर हो गया। ओके, अब हमें जो दे रखा है, मैं यदि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 दे रखा है। अब आप इससे क्या समझते हो? इस लाइन का मतलब फ्रेंड्स, इसी में आपका साधारण ब्याज है और इसी में आपका मूलधन है। जो साधारण ब्याज रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा, कम मान वाला। ओके, और जो मूलधन रहेगा वो का के साथ में आता है, तो ये 9 वाला रहेगा। आप समझ गए कि साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का कहने का मतलब, जो का वाली संख्या होती है वो बटेवा में रहती है। मूलधन का 4 है, मैं साधारण ब्याज कितना है 4 होगा और मूलधन कितना होता 9 होगा। तो हमने देखा साधारण ब्याज हमने पता किया 4 आ गया, और मूलधन पता किया तो अपना मान कितना आ गया 9 आ गया। अब आपने देखा मूलधन आ गया, साधारण ब्याज आ गया, और दर आपको यहाँ पे आर के बराबर लेनी है। जो आपका टाइम रहेगा वो आर के बराबर रहेगा, क्योंकि हमें दर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम दर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर फॉर्मूला जो बनता है हम वो फॉर्मूला लिखते हैं। साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होता है, पी इंटू टी होता है। अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि साधारण ब्याज कितना आ गया 4 आ गया, आर का मान हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100, मूलधन मान कितना आया अपना, मूलधन का मान कितना आया 9 आया, हम यहाँ पे 9 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, हमें टी दे रखा है, तो हम टी यहाँ पे देखिए समान दर व समान समय, समान दर और समान समय, तो हमने इसको आर के बराबर किया, आर को में समान दर और समान समय क्या है बराबर है। ओके, तो हम आर को यहाँ पे टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे टी को मैंने आर के बराबर किया, तो आर को बराबर कर दूंगा मैं आर से, क्योंकि यहाँ पे आपको दर पूछी है, तो दर निकालने के लिए आप इस टी को आर बना दो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आर बना दिया। अब आपको पता चला कि ये आर यहाँ पे जब आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर। अब आपने देखा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 और अपॉन 9 आ गया। अब आप जब यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो वहाँ पे बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या चला जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे वर्गमूल लग गया। आर बराबर मान कितना आ जाएगा, 400 का जब हम रूट निकालते तो मान कितना आता है 20, और 9 का कितना आएगा 3। अब 3 का आप जब भाग दोगे इसके अंदर, 3 6 18, 2/3 आ गया। आपने देखा प्रतिशत में दर निकाला आपने 6 6 2/3%। क्वेश्चन सॉल्व हुआ फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। मैं कोई राशि थी वो समान दर और समान समय। अब समान समय को हम आर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमने आर लिख दिया। साधारण ब्याज होता है वो साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 9/9 है, तो 9 जो अपना मूलधन रहेगा और 4 क्या रहेगा अपना साधारण ब्याज रहेगा। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, साधारण ब्याज हमने लिया कितना लिया 4 लिया, मूलधन अपना 9 आ गया, हमने फॉर्मूले में मान रख करके इसको सोल्व किया। और फ्रेंड्स आप इसकी एक ट्रिक भी होती है, आप अगर उस ट्रिक से सोल्व करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो।
लेकिन आप बेसिक मेथड से करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप यहाँ पे अगर जब इसको मैं साधारण मैं समान दर और समान समय मान करके हल करोगे और उसके अंदर साधारण ब्याज मूलधन को क्या मानोगे, 4/9 x मानोगे, और मानव राशि क्या थी, कोई राशि जो हम उसको x मान करके भी हल करते हैं, वो आपका थोड़ा लेंथी मेथड होता है। आप इससे करिए, आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस आप इस ट्रिक से कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते फ्रेंड्स हैं अपना हम स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए फ्रेंड्स। किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। हमें साधारण ब्याज की दर पता करना है फ्रेंड्स, और हमें दे रखा है हमें किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज हल करते हैं फ्रेंड्स। हमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष का टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें, अभी मैंने आपको बताया कि ये साधारण ब्याज रहेगा, ये ऊपर वाला 3 रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा, अपना मूलधन रहेगा। ओके, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अपना साधारण ब्याज क्या लेंगे हम, उसमें 3 लेंगे, और जो हमने देखा मूलधन कितना आ गया अपना, पी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया था कि जो साधारण ब्याज रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा और मूलधन क्या रहेगा, नीचे वाला रहेगा, क्योंकि अगर हमें भिन्न में कोई मान दे दिया जाता है तो हम उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या पता कर सकते हो फ्रेंड्स, आप यहाँ से दर पता कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे दर निकाल लीजिए फ्रेंड्स। आर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100/P इंटू क्या आएगा अपना, टी आएगा। तो आर बराबर साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, तो 3 × 100 किया आपने, अपॉन मूलधन कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे। मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 वर्ष दे रखा है, हम यहाँ पे 5 वर्ष कर देंगे। तो आर बराबर 5×25, 25×100, 4×12, आपने देखा दर कितनी आ गई आपकी, 12%। और आपको पूछा क्या गया है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी, साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, 12% होगी। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाए। आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना देखते नेक्स्ट हैं, क्वेश्चन इसको देखिए फ्रेंड्स। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर ₹150 हो तो वह राशि क्या होगी। आपको यहाँ पे साधारण ब्याजों में जो अंतर दे रखा है वो 3 वर्ष और 4 वर्षों जो राशि थी, मिश्रधन जो बन रहा था उनका अंतर हमें दे रखा है ₹150। ओके, और हमें 6% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। मैं कोई राशि है, मानव राशि, मूलधन हम एक्स मान के भी इसको हल कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे जो तरीका सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उस तरीके को आप समझ भी पाओगे और ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही कर पाओगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है मैं दर कितनी दे रखी है, आपको 6% दे रखी है। आपको जो दे रखा है वहाँ उसको नोट कर लें, पहले आप उनको क्या करें, नोट करें। ओके, अब आपको टाइम कितना दे रखा है, वर्षों में 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष, और आगे क्या दे रखा है आपको, 4 वर्ष, और इन दोनों का अंतर आपको कितना दे रखा है, ₹150 दे रखा है। तो आपको जब पता चला कि 4 में से 3 गए तो 1 वर्ष आएगा, तो 1 वर्ष का अंतर हम मान सकते हैं ₹150, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही तो हमें ₹150 दे रखा है। तो 4 में से 3 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 वर्ष का हमें जो साधारण ब्याज था वो कितना दे रखा है, ₹150 दे रखा है। आप यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ जाते हो फ्रेंड्स, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप वैल्यू चेंज करके आप अपने आप से क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। ओके, आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 3 वर्ष और 4 वर्ष का जो हमें अंतर दे रखा था, 3 में से हम 4 घटाएंगे तो अपना अंतर, यहाँ पे एक बार और समझिए फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है हम बड़े मान में से छोटे मान को घटाते हैं, तो हमने देखा 4 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, और अंतर लिखा हुआ है तो बराबर कर देंगे 150 के, 4 में से 3 गए तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का मान कितना आ गया अपना, ₹150। आप समझ गए फ्रेंड्स, आप समझ में आ गया, 1 वर्ष बराबर कितना लिया हमने, ₹150। अब आपने देखा 1 वर्ष का मान कितना आ गया अपना, साधारण ब्याज कितना आ गया, ₹150। अब आपको पता है 3 वर्ष का जब हम निकाल लेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तीन से, तो अपना मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर 3 वर्ष का, तो 3 एकम 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 15 से 45, 450 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज हमने निकाला 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 450 रुपये आ गया। अब आपको पता करना है कि वह राशि क्या थी, आपको मूलधन निकालना है। तो आइए मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो आपको मैंने सिखाया आप उसी फॉर्मूले से आप हल कर सकते हो। पी बराबर क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई सो अपॉन क्या होता है, आर इंटू टी होता है। तो पी बराबर साधारण ब्याज हमने 3 वर्ष का निकाला, तो हम यहाँ पे 3 वर्ष का ले लेंगे। तो साधारण ब्याज कितना आएगा अपना, 450 रुपये मल्टीप्लाई 100 किया अपॉन आर, हमें जो दे रखी थी दर 6% दे रखी है, तो हमने यह दर ले लेनी है 6%। मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है हमें, 3 वर्ष का हमने साधारण ब्याज दिया, तो हम यहाँ पे टाइम भी कितने वर्ष का लेंगे, 3 वर्ष का लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया। पी बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो कटता है उसको काट दीजिए, 3 से आपने इसको काटा तो 3 एकम 3 3 5 15 0 आ गया। ओके, अब आपने देखा 3 से और कट रहा, 3 2 6 यहाँ पे आप काटोगे तो कितना आ गया, 3 5 15 0 50 हज़ार कट गया फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, 2 से आप इस 50 को काटोगे तो कितने मान आएगा, 25, और 25 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 25 को मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो आपका मान कितना आ गया, पी बराबर 2500 आ गया। आपको यही तो पूछा गया था कि मूलधन क्या होगा, तो हमने मूलधन निकाला, पी बराबर कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार और समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें दर दे रखी थी, 3 वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाला, क्योंकि 3 वर्ष और 4 वर्ष का हमें अंतर दे रखा था, तो हम जब अंतर करेंगे तो 1 वर्ष का क्या आएगा, साधारण ब्याज 150 रुपये आएगा, 150 रुपये। जब हमें 150 रुपये 1 वर्ष का पता चल गया, तो हम 3 वर्ष का पूछे थे या हम 4 वर्ष का पूछे, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके हम आसानी से निकाल सकते हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमने निकाला 3 वर्ष का, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 150 को, तो अपना 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, 450 रुपये हो गया। तो P बराबर क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर इंटू टी होता है। तो P बराबर क्या होता है, 450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 किया, क्योंकि 3 वर्ष के लिए ले रहे थे हम, टाइम कितना लेंगे, 3 वर्ष के लिए। अगर आप यहाँ पे 4 वर्ष के लिए करते हैं, अब 4 वर्ष से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप 4 वर्ष से भी अगर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अपना मान क्या आएगा, 2500 रुपये आने वाला है। तो आप एक बार करके देखिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझिए फ्रेंड्स, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, कोई राशि है वो 5 वर्ष के लिए क्या दी जाती है, उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती है, अगर साधारण ब्याज की दर अगर 3% अधिक होती है तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं आपको। अगर 3% अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे दर बढ़ा दोगे, तो आपको कितने रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वह मूल राशि क्या है, आपको मूल राशि पता करना है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। तो आपको जो टाइम दे रखा है वो यहाँ पे नोट कर लिए, टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। अब आपको जब पता है कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ओके, तो आप मान लीजिए वो राशि क्या थी, 100 रुपये थी। माना वह राशि कितनी थी, 100 रुपये थी। यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्यों, एक बार रोक दिया विषय। आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर हमें 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्या है, तो हमें मूलधन पूछा गया। तो हल करते हैं फ्रेंड्स, हमें जो दिया गया हम उनको नोट डाउन करते हैं। हमें दे रखा है 5 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है, हमें 5 वर्ष दे रखा है। अब आपको पता है यहाँ पे दर जो दे रखी है वो अंतर में दे रखी है, जो दर है वो अगर 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो हमें जो रुपये मिलता है 105 रुपये अधिक मिलता है, जो साधारण ब्याज मिलता है ऐसा ही वो कितना मिलता है, 105 रुपये अधिक मिलता। आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज
मल्टीप्लाई सो अपॉन आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी होता जो आपको दे रखा है। अगर आप यहाँ पे मान पुट करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पी बराबर साधारण ब्याज, आपको क्या लेना है यहाँ पे, साधारण ब्याज जो ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर हमें कितना दे रखा है, 105 रुपये दे रखा है। तो हम यहाँ पे 105 रुपये रखेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, अपॉन आपको आर दे रखी, ये भी हम किस में लेंगे, अंतर में लेंगे। जो हमें अंतर दे रखा है हमें 3% अधिक होती, मैं यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक होती तो हमने अंतर लिया, ये क्या अंतर, जो साधारण ब्याज लिया, साधारण ब्याज का अंतर हमें कितना दे रखा है, 105 रुपये दे रखा है। तो हमने 105 रुपये नोट किया, और दर हमें कितनी दे रखी, 3%। तो 3% होती तो हमें कितना मिलता, 105 रुपये अधिक मिलता। तो हम यहाँ पे दर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 वर्षों में, तो 5 वर्ष यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे पी बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, आपका मान आ गया 21, 3 7 21, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान कितना आ गया, 700 रुपये आ गए। आपको जो पूछा गया था मान कितना आ गया, 700 रुपये आ गए। ओके, तो आप क्वेश्चन को समझ गए, मैं कोई राशि, आपका ये फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ। पी बराबर क्या होता है, मैं ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई 100 करोगे अपॉन दर का अंतर, जो हमें दी गई दर है उसका अंतर, दर का अंतर मल्टीप्लाई टाइम, समय। ओके फ्रेंड्स, आप ये फॉर्मूला नोट करें, यहाँ पे ये फॉर्मूला इसी से बना है फ्रेंड्स। मैं पी बराबर क्या था, ब्याज का अंतर को हम ऐसा ही लेते हैं, मैं जो अपना साधारण ब्याज रहता है हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई 100 अपन आर इंटू टी करते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला ऐसे डिफाइन किया गया, मैं ब्याज का अंतर अपॉन दर का अंतर मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय। ओके, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे तो हम उन टाइप्स को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप अभी तक अपने AMR लाइव क्लासेस ITI चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जुलाई जुलाई या अगस्त के अंदर आपके जो एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं मैं CITS के, तो उनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो आप उन पेपर्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं CITS करने वाले स्टूडेंट्स जो आपके बार न्यू एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये जो तैयारी करवा रहा हूँ ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आप अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू।